मैं अरविंद चटर्जी, मैं कलकत्ता का हूँ। मैं बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। मैं आप लोगों को सामने आज एक बात बताना चाहता हूँ। सब लोग आज परेशान हैं, सब लोग आज परेशानी में, जिसके पास और पैसा करोड़ों रुपया है, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो था वो भी परेशान में है, लालू रेल मंत्री जेल में है। आज का दिन है क्या? आज है 25 मई। मैं बताना चाहता हूँ आज लोग परेशानी क्या, दवाई क्या है, परेशानी को दूर कैसे करेंगे, क्योंकि जिसने हमें माँ का पेट में बनाया हम उनको नहीं जानते हैं। जो हमारा जीवन दाता है, जो मुक्ति दाता है, जो सृष्टि करता है, उसको हम नाम जानने का कोशिश नहीं करते हैं। हम आज दुनिया का चीज़ों में फंसा हुआ है, आज दुनिया का चीज़ों में हम खाली घूमते रहता है। जो चीज़ हमको धोखा देगा, जो चीज़ हम देखते हैं उस सब हमको धोखा देगा। बाइबल क्या कहते हैं, आइए हम बाइबल से एक वचन देखेंगे। बाइबल आप लोग सब जानते हैं, बाइबल का एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। पौलुस तीमुथी की बातों को बार बार बोलना चाहता है। हम लोग एक वचन को देखेंगे, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 13:5। जिसके पास बाइबल है बाइबल खोलिए। पौलुस तीमुथी को बोल रहा है, हे मेरे भाइयों, हर एक तुम अपने आप को परखो, अपने आप को परखो। लेकिन हम क्या परखते हैं? हम दिनाकरण को परखते हैं, हम दूसरा को परखते हैं, उसका वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। हम भी आइए, हम एक वचन पढ़ेंगे, उस वचन को जो 2 कुरिन्थियों 13:5 में, जिसको जल्दी मिलता है अब पढ़ के थोड़ा सुनाए। हम लोग देखने चाहते हैं अपने आप को। अच्छा राजेश भाई आइए, थोड़ा पढ़ के सुनाइए। हम एक भाई को विनती करेंगे, ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। 13:5 पढ़ के सुनाओ। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच के में निकम्मे निकले हो। बस थैंक यू, बैठिए। देखिए, ये मेरा वचन नहीं है, जीवित परमेश्वर का वचन। तुम जांच लो यीशु मसीह तुम में है क्या नहीं है। अगर यीशु मसीह हमारा अंदर होगा तो हम भिखमंगा बनेंगे। ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्लीज सेंड मी सपोर्ट, आई हैव नो मनी, गॉड गेव मी ग्रेट बर्डन बट नो फॉर मनी। अगर यीशु मसीह हम में है तो हम सबसे बड़ा धनी है, आई एम रिच मैन। यीशु मसीह जिसके पास नहीं है गरीब रहेगा, चाहे कोई भी हो। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज आप लोगों को सामने एक बात को बताना चाहता हूँ। आज से दूसरा दुनिया जो धोखा देने वाला, उनको देखने के लिए हमारा आँख को बंद कर लो। जिसने हमें, जिसको देख के हम अनंत जीवन तक रह सकता है, जिसको देख के हम स्वर्ग जा सकता है, जिसने हमें जीवन दिया है, जो धोखा नहीं देता है, उनको देखने के लिए हमारे आँखों को पट्टी को खोलो। हे पिता, आज प्रार्थना करो, हे पिता परमेश्वर, हमारे मन की आंखों को पट्टी को खोल दे, मैं आपको देखना चाहता हूँ। क्योंकि माता का गर्भ में, अंधकार में आपने हमें बनाया, हम आपको जानते नहीं है। आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया। जिस हाथों ने आदम को बनाया था, उस हाथ सामर्थ्य हाथ के नीचे अपने आप को जो जो सौंपने चाहता है सामने आइए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो लोग परम पवित्र पिता परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ के नीचे अपने आप को सौंपने चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि आज लोग भट जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब परेशान हैं, पैसा है, धन है, लोग बीमारी में। अब लोग पढ़ देखा, पौलुस तीमुथी को बोल रहा है अपने आप को परखो। हम कैसे परखेंगे? परखने के लिए जैसे इलेक्ट्रिक बिजली में बोर्ड में हाथ से अगर मैं उसको देखेंगे हाथ जल जाएंगे। हम टेस्टर चाहिए, क्या चाहिए भाइयों? टेस्टर। अगर हमको टेस्टर नहीं, टेस्टर क्या है? बाइबल हमारा टेस्टर है। इसको हम पढ़ते हैं, हम मुंह में गंदा लगा है शीशा में, हम साफ नहीं करते हैं। बाइबल हमको क्यों दिया गया? हमारे जीवन को सुधारने के लिए। हमारा पुराना सोच, पुराना विचार, पुराना बातों को छोड़ना है। यीशु बोलता, मैं तुम्हें नया जीवन देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अनंत जीवन देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें भरपूरी जीवन देना चाहता हूँ। लेकिन आज लोग तैयार नहीं है। लोग क्या बोलते, सब धर्म एक है। सब धर्म एक नहीं है, सत्य एक है। मेरा घर का लोग मेरे को पागल बोलता है, मैं दुखी नहीं हूँ। बहुत लोग मुझे गलत सोचता है, बोलने दो। मैं जानता हूँ जिसने हमें बनाया, मैं उनका हाथ में जब अपने आप को सौंपूंगा तो मेरे को दुनिया का कोई माँ का लाल नहीं है मेरा बाल बांका कर सके। जब से प्रभु के पास आया तब से मैं एक रुपये का दवाई नहीं खाया। मेरा रहने का ठिकाना नहीं है, मेरा सोने का ठिकाना नहीं है, मेरा घूमने काम पैसा का ठिकाना नहीं है। लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे नेपाल, भूटान,
इंडिया में 23 स्टेट में घुमा के लाके और यहाँ में खड़ा किया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप लोग प्लीज़ आज से झूठा लोगों को देखना बंद करो। जिसने आपको जीवन दिया है उनको देखने के लिए आंखों का पट्टी को खोलो और उसके ऊपर अपने आप को सौंप दो, क्योंकि जो देखा हुआ चीज हमको धोखा देता है। जो देखा, जो हम विश्वास क्या है, विश्वास वो है, इब्रानी 11 अध्याय में है, अनदेखी चीजों को प्रमाण स्वरूप वस्तु विश्वास है। आज विश्वास, आज बाप बेटा को विश्वास नहीं करता है। आज हर जगह में लोग परेशान में है। मैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों से मेरा विनती करता हूँ, आप अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे सौंप दीजिए। देखिए आपका जीवन बदल जाएंगे, आपको मन आनंद से भर जाएंगे। आज हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों को शुद्ध मन दे। प्रभु यीशु ने कहा मन फिराओ, मन फिराओ। आज मन फिराने का दवाई कहीं कहाँ मिलेगा? बाइबल एक है, इसमें बोलते हैं जब तक तुम अपने आप को दुनिया से नहीं मोड़ोगे तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। सबका दवाई एक ही है। क्या है दवाई? बाइबल बोलता है निर्गमन 15:26 में, मैं तुझे एक भी बीमारी नहीं दूंगा। और आज क्रिश्चियन लोग मेडिकल कॉलेज बना रहा है, कोई स्कूल बना रहा है। यीशु ने क्यों हॉस्पिटल नहीं बनाया? यीशु ने स्कूल क्यों नहीं बनाया? यीशु ने क्यों चर्च नहीं बनाया? क्यों बताइए आप लोग? किसी यीशु एक हॉस्पिटल नहीं बना सकता था? यीशु एक चर्च नहीं बना सकता था? यीशु एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकता था? यीशु एक स्कूल नहीं बना सकता था? क्यों नहीं बनाया? बोली यीशु जानता था या बिजनेस होगा। यीशु बोला है मैं आया हूँ पिता का इच्छा पूरा करने। आज कितना लोग है यहाँ पर जो अपना जीवन देने वाला को इच्छा पूरा करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं इसी के साथ अपना बारी बंद करना चाहता हूँ। आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप हे पिता परमेश्वर, जितना लोग मेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, उन लोगों को सबको छुटकारा दे, बीमारी से, गरीबी से, झूठ से, नेशा से, सेक्स से, एड्स से, जो कुछ परेशानी है उनको छुटकारा दे। और पिता परमेश्वर इन लोगों को भूख दे, प्यास दे, जीवन जो दिया है उनका इच्छा पूरा करना। और इनका इच्छा पूरा करने का मतलब है हमारा मन में को नया हो जाना और हम पिता परमेश्वर का राहों में चले। ये बोल इस मेरे इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन।